हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आज हम राजस्थान अध्ययन क्लास सिक्स अध्याय नंबर 4, इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। इसमें हमारा आज का क्वेश्चन है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो इसमें ए है जयपुर, ब है बीकानेर, से है गंगानगर और द है हनुमानगढ़। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक का भ्राभू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसमें ए है विराट, ब है आहड़, स है गणेश्वर और ब है बालाथल। तो अशोक का भ्राभू शिलालेख विराट से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला है? तो ए है विराट, ब है आहड़, स है गणेश्वर, ब है बालाथल। तो इसमें नाचता हुआ पक्षी विराट से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, किस सभ्यता से पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? इसमें ए है विराट, ब है आहड़, स है गणेश्वर और द है बालाथल। तो ये विराट से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीजक की पहाड़ी एवं भीम की डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो बीजक की पहाड़ी, इसमें ए है विराट, ब है आहड़, स है गणेश्वर, द है बालाथल। तो इसमें बीजक की पहाड़ी एवं भीम की डूंगरी विराट से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? इसमें ए है विराट, ब है बालाथल और स है ए व बे दोनों और द है गणेश्वर। तो इसमें हाथ से बुने हुए वस्त्र विराट एवं बालाथल दोनों से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ताम्र संचय संस्कृति कहाँ कहा जाता है? ताम्र संचय संस्कृति, इसमें ए है कालीबंगा, ब है रेड, स है गणेश्वर और द है बालाथल। तो इसमें गणेश्वर सही होगा। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सर्वप्रथम ए है लोहा, ब है सोना, द स है चांदी और द है तांबा। तो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग तांबे का हुआ था। अग्निकुंड या वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो अग्निकुंड ए है कालीबंगा, ब है रेड, स है जोधपुरा और द है आहड़। तो ये है अग्निकुंड या वेदिकाओं के साक्ष्य आहड़ से प्राप्त हुए। थैंक यू। जो भी चैनल पे नए है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।